शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में मानसिक विकास एवं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है वह मानसिक विकास किन किन रूपों में दिखने को हमें मिलता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की भाग मानसिक क्रियाओं और शक्तियों का भी विकास होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जिस तरह से शारीरिक विकास होते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने शारीरिक विकास के बारे में बात कर चुका है, उस पर हम लोग जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, इसी क्रम में मानसिक विकास के बारे में पढ़ रहा है। तो शारीरिक विकास के भाग मानसिक क्रियाओं और शक्तियों का भी विकास होता रहता है। मानसिक विकास का तात्पर्य समझने, स्मरण करने, समस्या समाधान करने, ध्यान लगाने की शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान और संकल्पना, रुचि जिज्ञासा निर्णय चिंतन आदि से है। मानसिक विकास का तात्पर्य क्या है कि समझने, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत की जा रही है, कोई भी कार्य हो रहा, तो उस चीज़ को हम समझें। किस रूप में समझ सकते हैं? अपनी मानसिक क्षमता के आधार पे ही समझ सकते हैं, अपने मानसिक शक्तियों के आधार पे ही समझ सकते हैं। अगर जो हम अपने मानसिक शक्तियों के माध्यम से उस चीज़ के बारे में सोचें समझें, तो क्या हो रहा, हमारा मानसिक विकास हो रहा। उसी क्रम में स्मरण करना, किसी चीज़ को स्मरण का तात्पर्य क्या, याद करने से। समस्या समाधान, हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो हम चिंतन करते हैं या जो हम मार्ग ढूंढते हैं, ये भी हमारे मानसिक विकास के एक पक्ष होते हैं। ठीक है, जिनका विकास करना। साथ ही साथ ध्यान लगाने की शक्ति, किसी भी चीज में ध्यान लगाना। प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। संकल्पना, यानी कि कल्पना करना, हमारी रुचि जिज्ञासा निर्णय चिंतन आदि से है। इन सभी तथ्यों का विकास यानी कि मानसिक विकास है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो मानसिक विकास है, यह मानसिक विकास बाल्यावस्था में किन किन वर्षों में किन किन रूपों में हमें दिखने को मिलता है, किन वर्षों में किन प्रकार की विशेषता का उदय बालक के अंदर होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि सातवें वर्ष, आपको बताया गया है कि जन्म से लेकर छह वर्ष जो अवस्था होती है वो अवस्था किसकी मानी जाती है, शैशवावस्था, और छह से लेकर बारह वर्ष के बीच की जो अवस्था मानी जाती है वो कौन सी अवस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कौन सा होगा, सातवें वर्ष से स्टार्ट होगा, यानी कि सातवें वर्ष में मानसिक विकास किन किन रूपों में हमें दिखने को मिलता है। तो सातवें वर्ष में जो बालक होता है वो छोटी छोटी घटनाओं का क्या करने लगता है, वर्णन करने लगता है। मतलब उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित हुई होती है तो उसका क्या करने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है, उसका वर्णन करने लगता है। कितने वर्ष में, सात वर्षों में। किस रूप में बता सकता है, जब उस घटना के बारे में जानेगा समझेगा तभी जाके उसके बारे में कुछ शब्द बोल सकता है, यानी कि उसकी मानसिक शक्तियों का क्या होगा, विकास होगा। इसी क्रम में संयुक्त तथा कठिन वाक्यों का समाधान खोजने का प्रयास करता है। जो भी संयुक्त एवं कठिन, यानी कि जो भी जटिल वाक्य हैं, उनका क्या कर समाधान खोजने का भी प्रयास करता है। कितने वर्षों में, तो सात वर्षों में, जिसके माध्यम से क्या होता है, उस बालक का मानसिक विकास होता है। इसी क्रम में आठवें वर्ष में क्या होता है कि आठवें वर्ष में बालक का मानसिक विकास के रूपों में होता है। तो बालक छोटी छोटी कविता वह कहानियां याद कर लेता है, उनमें कहानियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास हो जाता है। यानी कि जब बालक आठ वर्ष में जाता है तो आठ वर्ष में क्या हो जाता है कि वो जो भी छोटी छोटी कविताएं होती हैं या कोई भी छोटी छोटी कहानियां होती हैं तो उन कहानियों के बारे में जान लेता है, उसको याद कर लेता है, और उन कहानियों या कविताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों की भी जानकारी प्राप्त कर लेता है, प्रश्न देने की योग्यता का भी विकास उसके अंतर्गत हो जाता है। इसी क्रम में साधारण समस्या के समाधान का खोज करना,
यानी कि उसके सामने किसी भी प्रकार का सामान्य समस्याएं जो होती हैं आ जाता है, तो उस प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयास करने लगता है। कितने वर्षों में? तो 8 वर्षों में, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि एक बालक छोटी छोटी कविताएं और कहानियों को याद कर लेता है, बाल्यावस्था के कितने वर्षों में ये दिखने को मिलता है? तो कितने वर्षों में दिखने को मिलता है? तो 8 वर्षों में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है अगला है कि 9वें वर्ष में मानसिक विकास किस रूप में होता है? तो 9वें वर्ष में बालक को दिन, दिनांक, वर्ष, रुपये, पैसे आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जो भी सामान्य जानकारियां हैं कि दिन, दिनांक, वर्ष, रुपये, पैसे, ठीक है, कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आज कौन सा डेट है, एक वर्ष कितने दिनों को कहा जाता है, ये कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, इन्हें सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान उसे हो जाता है। इसी क्रम में दूसरे की बातों को लगभग यथावत दोहराना, सुनाना तथा जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि प्रकार का ज्ञान उसके अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला पढ़ते हैं कि 10वें वर्ष में बालक का मानसिक विकास किस रूप में दिखने को मिलता है? तो 10वें वर्ष में बालक धूर्त गति से बोलने लगता है, यानी कि बोलने की जो उसकी शक्तियां हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मतलब किसी भी प्रकार के उसके हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास के द्वारा ही बालक में शब्दकोशों का विकास होता है, ठीक है। अगर जो उसकी मानसिक विकास अच्छे से हुए हैं तभी जाके वह किसी भी प्रकार के तथ्यों पर वर्णन करने के लिए उसके अंतर्गत शब्दकोश विकसित हो सकते हैं। तो 10 वर्ष में उस बालक के अंतर्गत इतने मानसिक विकास हो जाते हैं कि वह क्या धूर्त गति से, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से क्या करने लगता है, बोलने लगता है। दैनिक कार्यों को वह स्वयं करने लगता है, वह उनका सही निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन करने लगता है। जो भी दैनिक कार्य, रोज की दिनचर्या है, उससे संबंधित जो जो भी कार्य है वह स्वयं करने लगता है, साथ ही साथ उसके बारे में सही निरीक्षण एवं चिंतन भी करने लगता है। अगला है 11वें वर्ष में मानसिक विकास किन रूपों में दिखने को मिलता है? इसमें क्या कि बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है, वह प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो भी कठिन शब्द होते हैं उनके बारे में वह व्याख्या करना जान जाता है, और साथ ही साथ जो भी प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने कोई भी वस्तु है उस वस्तु के बारे में अवलोकन करना क्या करता है, जान लेता है। इस प्रकार से उसके आधार पर वह ज्ञान भी प्राप्त करता है, साथ ही साथ उसकी तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की जो शक्तियां हैं उनका पर्याप्त विकास हो जाता है। जो भी तर्क करने की क्षमता है, जिज्ञासा, किसी वस्तु के बारे में जानना, जिज्ञासु होना, किसी चीज के बारे में निरीक्षण करना, परीक्षण करना, इन शक्तियों का क्या हो जाता है, पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है। कितने वर्षों में? तो 11 वर्षों में। ये सभी क्या है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। कौन कौन से? तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, परीक्षण, ये सभी क्या है, मानसिक विकास के पक्ष हैं और इनका विकास हो जाता है। 12वें वर्ष में मानसिक विकास किस रूप में दिखने को मिलता है? तो 12वें वर्ष में बालक तर्क खोजने व समस्या समाधान की योग्यता का विकास कर लेता है, हर बात के पीछे कारण ढूंढना आरंभ कर देता है। क्या होता है कि बालक का कोई भी बात उसके संपर्क में आती है, क्या कोई भी कार्य उसके संपर्क में आता है, तो वह उस कार्य को देखता है, जानता है, साथ ही साथ ही क्यों है, कैसे है, उनके कारणों को जानने का भी प्रयास करने लगता है। कितने वर्षों में? तो 12 वर्षों में, ठीक है। अभी इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। ये जो बालक के अंतर्गत मानसिक विकास के पक्ष हैं, इन पक्षों को प्रभावित विकास में, इन पक्षों को जो विकसित होते हैं, तो इनके विकास में जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जिनके प्रभाव से इनका विकास होता है, वह कारक कौन कौन से हैं और इनका किस रूप में प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में अगला है वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम का भी मानसिक विकास पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से माता पिता होंगे उसी प्रकार से उसके बालक भी होंगे। जिस प्रकार से माता पिता के बौद्धिक क्षमता होंगी, बौद्धिक शक्तियां होंगी, बुद्धि होंगे, मानसिक तथ्य होंगे, उसी रूप में उस बालक के अंतर्गत भी मानसिक पक्ष का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव बालक के मानसिक विकास पे पड़ता है। उसी क्रम में अध्यापक, देखिए अध्यापक जो होता है,
अध्यापक अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने बालकों को क्या करता है, प्रभावित करता है, साथ ही साथ अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने शब्दकोश के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने अन्य जो भी शैलियाँ होती हैं, इन सभी शैलियों के माध्यम से बालक को प्रभावित करता है और इस प्रकार से बालकों को एक अवसर देता है जिसके माध्यम से उनके मानसिक पक्ष का विकास हो। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास को विकसित करने के लिए अध्यापक भी एक प्रकार का क्या कारक है। उसी क्रम में अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। आपको पता होगा कि अगर जब तक शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक बालक किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक चिंतन, स्मरण, तर्क या हम कह सकते हैं कि जितने भी मानसिक विकास के पक्ष हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो स्वस्थ शरीर होगा तभी जाके उसके अंतर्गत अच्छे मानसिकता का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास में शारीरिक स्वास्थ्य का भी योगदान होता है, इनका भी प्रभाव होता है। अगला, परिवार का वातावरण। जिस प्रकार से परिवार का वातावरण होगा उसी प्रकार से उस बालक के मानसिक विकास होंगे। अगर जो अच्छा परिवार का वातावरण होगा, शिक्षित परिवार, परिवार में शिक्षित लोग होंगे, उनकी मानसिक क्षमता अच्छी होगी, योग्यता अच्छी होगी, तो उसी क्रम में उस बालक का भी विकास होगा। उसी प्रकार से माता पिता की शिक्षा, जिस प्रकार की योग्यता माता पिता के अंतर्गत होती है उसी प्रकार की योग्यता का विकास बालक के अंतर्गत होता है। अगर जो शिक्षित माता पिता है तो जाहिर सी बात है कि वह अपने बालकों पे उस शिक्षा का प्रभाव डालेंगे जिसके माध्यम से उस बालक के मानसिक विकास होंगे। उसी क्रम में अगला है बालक की शिक्षा। अब जिस प्रकार से बालक की शिक्षा होगी, जिस प्रकार से वह शिक्षा प्राप्त करता है, ठीक है, उसी प्रकार से बालक के मानसिक पक्षों का विकास होगा, उसी प्रकार से बालक के बुद्धि का विकास होगा। अगला है विद्यालय। विद्यालय का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। समाज, जिस प्रकार के वातावरण, मतलब हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए बालक भी समाज में रहता है, तो जिस प्रकार से उसका सामाजिक वातावरण होगा, उस समाज में रहने वाले जैसे लोग होंगे, उनकी मानसिक क्षमता जैसी होगी, उनके बुद्धि जैसे होंगे, उसी प्रकार से उस बालक का विकास होगा। साथ ही साथ परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, किस प्रकार से उस बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति है, कैसा उसका सामाजिक वातावरण है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, इस पे भी बालक के मानसिक विकास डिपेंड होते हैं और मानसिक विकास को प्रभावित करने में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी क्या है, एक कारक है। इसी क्रम में इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मानसिक विकास से तात्पर्य है कौन, क्या क्या है, स्मरण करने से है, विचार करने से है, समस्या समाधान करने से है, ये सभी, यानी कि ये सभी क्या है, मानसिक विकास। अगर जो इन सब का विकास होगा तभी हम क्या कहेंगे कि मानसिक विकास हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सभी होगा। अगला, किसने कहा कि 6 वर्षों में बालक का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला है, कितने वर्षों में बालक हर बात के पीछे कारण खोजने लगता है, तो कितने वर्षों में हर बात के पीछे कारण खोजने लगता है, हमने अभी आपको बताया, तो 12 वर्षों में, ठीक है। इसी क्रम में अगला है, कितने, वही है क्वेश्चन, 12 वर्षों में। इसके बाद से है, कितने वर्षों में बालक छोटी छोटी कहानियां या कविता याद कर लेता है, तो कितने वर्षों में छोटी छोटी कहानियां या कविता याद कर लेता है, तो 8 वर्षों में छोटी छोटी कहानियां या कविता याद कर लेता। इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।